प्रदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चरण्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषास्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरविष्णैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगण आत्मशोनस्तुई। अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के चतुर्थ प्रकरण औलाद शांति प्रकरण के ऊपर विचार करते हुए अभी हम लोग जो ग्रंथकार की प्रतीज्ञा है, न कश्चित जायते जीव संभव भी अश्नावीदति ए तत्त उत्तमम सत्यम यत्र किंचित न जायते। इस प्रतीज्ञा वाक्य को पुष्ट करने के लिए हेतु दिया पहले ये अलग शांति प्रकरण में कि अलग अलग वादियों की जो सृष्टि का प्रक्रिया है, उस सृष्टि की प्रक्रिया में सब वादी का मतभेद है। इस मतभेद के कारण पारमार्थिक सृष्टि यदि हुई होती तो सभी का एक ही मत, सब अलग अलग मत होने के कारण इसमें पारमार्थिकता नहीं है। सद्वादी असद्वादी के साथ, असद्वादी सद्वादी के साथ, शून्यवादी के साथ, ये सब जो आपस में लड़ाई चलता है, इससे सिद्ध होता है कि पारमार्थिक सृष्टि होना संभव नहीं है। इस क्षेत्र को कथन करने के बाद अब दृष्टांत के रूप में दिखाया, मतलब हमें तो सामने जगत दिखाई पड़ते हैं, तो बिल्कुल सही है। तब अलग का दृष्टांत दिया, एक लट्ठी के माथे पे अगर कपड़ा लपेट के आप आँख लगा देंगे तो केवल आँख ही रहेगा, परंतु उसको थोड़ा हिलाने से क्या होता है, अलग अलग प्रकार के आकार दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही जो है विज्ञान शुद्ध चेतन व्यापक चेतन उसी में ये सारा दिखाई पड़ता है, परंतु दृष्टांत दृष्टांत में इतना भिन्नता है कि जो है वहाँ पे तो अलाप में परिच्छिन्न होने के कारण उसमें गति होना संभव है, और विज्ञान तो पूर्ण व्यापक है, वहाँ पे तो कोई गति होना संभव नहीं है, वहाँ पे कैसे दिखाई देगा। तो बोलते हैं विज्ञान में गति नहीं है, परंतु प्रतिफलित जो विज्ञान है चिदा मतलब अंतकरण प्रतिफलित चेतन, वहाँ पे जो है वासना रहने के कारण उसी के वेग से सृष्टि दिखाई पड़ती है। इसलिए सभी व्यक्ति को अलग अलग सृष्टि दिखाई पड़ता है। हमको लगता है कि हम सभी एक ही वस्तु देख रहे हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है, पहले बोल कर कहे थे, क्योंकि वो वस्तु एक होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति के उस वस्तु के प्रति भावना अलग अलग होती है, और उस भावना के कारण ही उस वस्तु के प्रति आसक्ति निराशक्ति कैसे व्यवहार करेंगे वो होता है। इसलिए ये जैसे स्वप्न में होता है कि किसी प्रकार जो है प्रत्येक व्यक्ति का स्वप्न अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति का जागृत भी अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति का जागृत पहले बोल करके आया ही। तो आप दृष्टांत को देते हुए कह रहे थे कि देखो एक द्रव्य के लिए हेतु बनते, उपादान कारण बनते हैं, गुण गुण के लिए बनते हैं, क्रिया क्रिया के लिए बनते हैं, परंतु आत्मा तो मतलब द्रव्य है नहीं। और दूसरी बात है कि भिन्न भिन्न के लिए कारण बनता है, चाहे मृत्यु का घड़ा के लिए कारण बनता है, अलग दिखाई पड़ता है, परंतु आत्मा तो सब में अनुसूत है, इससे भिन्न तो है ही नहीं उसका, वो कैसे कारण बन सकता है। इसलिए पारमार्थिक उत्पत्ति होना संभव नहीं है। कल इस श्लोक का हम लोगों ने पढ़ लिए थे, द्रव्य द्रव्य से हेतु से अन्न चैव ही द्रव्यतम अन्न भाववा धर्माना न पद्धति। न आत्मा में धर्म द्रव्यत्व है, न किसी से भिन्न है, सभी में एक ही आत्मा व्यापक आत्मा शुद्ध आत्मा विद्यमान है, इसलिए यहाँ पे उत्पत्ति होना संभव नहीं है। इसलिए आप उसको प्रसंग करते बोले थे, इस श्लोक को कल पढ़ लिए थे, सभी मिलकर के एक साथ पढ़ेंगे। एवं न चित्त धर्मस् चित्तं बाकीन धर्मजं एवं हेतु फला जाति प्रविशन्ति मनीषिणः। इस प्रकार से न चित्तजा धर्म, शुद्ध शुद्ध चित्त हमारे पास है, शुद्ध चेतन ही है,
वो चेतन जैसे अंतकरण में प्रतिफलित होते हैं तो अंतकरण के वृत्ति के साथ मिलकर के वो चित्त बन जाते हैं, मतलब संस्कार के साथ मिलकर के पहला क्या करता है, पहले मैं मनुष्य हूँ ये सबसे पहले समझ से पहले खड़ा कर दिया। अब जैसे ये चित्त क्या हो गया, चित्त जो है अब चित्त रूप में आकर के पहले ये अपने में मनुष्यत्व का आरोप कर ले, देखो चित्त जा चित्त फिर चित्त फिर चित्त जा है ना, पहले बिजली नहीं है जी पूरे आश्रम में नहीं है, परंतु यहाँ पे इनका तो इन्वर्टर था, यहाँ पे इनका एवं न चित्त जा धर्मा, मतलब ये धर्म मतलब जीव, जीव जो है ये चित्त की कल्पना ये भी नहीं बोला जा सकते, और अथवा चित्तम वापि न धर्मजम, अथवा आत्मा मतलब शरीर जीव और जीव के अंदर चित्त वहाँ पे प्रतिफलित होकर के चित्त वहाँ पे उत्पन्न हुआ जीव में, ये भी नहीं कहा जा सकता, मतलब चित्त से जीव का और जीव से चित्त का ये दोनों मतलब एक धर्माधर्म से शरीर और शरीर से फिर धर्माधर्म, ये जो है विचार करने पर ठीक ठीक विचार करने पर हमें दिखाई पड़ेगा ये पारमार्थिक होना संभव नहीं, इसलिए बोलता है एवं इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार फल से, इस प्रकार विचार के फल से। इसे एक नंबर टिप्पणी होता है यथा भेद अभावे ना चित्त धर्म है, क्योंकि भिन्न है ही नहीं दो वस्तु, बोला तो क्या हो जाएगा ये चित्त और धर्म, मतलब चित्त जब संस्कार मत इसके होकर के अंतकरण के साथ दिखाई पड़ते हैं वो, और उससे उत्पन्न होता है जो जीव, इन दोनों में वास्तविक कोई भेद नहीं है, एक ही अधिष्ठान के ऊपर ही जो अलग अलग व्यवहार करके हम शब्द प्रयोग करते हैं, मतलब इसलिए यहाँ पे जन्म जन्म भाव संभव नहीं है ये बोले थे यहाँ पे। तो एवं इस प्रकार विचार के फलस्वरूप बार बार यदि हम विचार करते हैं फल तो क्या हो जाएगा हेतु फल अजातिम, मतलब हेतु मतलब कारण और फल हो गया कार्य, इसी प्रकार अब फिर जो इस समय शरीर है वो हो गया हेतु, और वो किसके लिए हेतु बनेगा, धर्म धर्म के लिए हेतु बनेगा, फिर धर्म धर्म से फिर शरीर उत्पन्न होगा। इस प्रकार से जो हमारे अंदर एक विनिवेश बैठा हुआ है, मतलब दुराग्रह बैठा हुआ है, विचार करने पर वो क्या होता है धीरे धीरे हेतु भी उत्पत्ति रहित है और फल भी उसके उत्पत्ति रहित है, ये जो है पहले भी अच्छी तरह से युक्ति के द्वारा समझा करके आया, यहाँ भी उसी निष्कर्ष पे पहुँचने के लिए यही उपाय है, मनुष्य न सामान्य व्यक्ति वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, विचारशील व्यक्ति मनेट जो होता है ना मन को जो ईश होता है ना उसको बुद्धि बोलता है, जो मन को कंट्रोल करता है, इस मनुष्य ने जो अपने मन के ऊपर पूरा कंट्रोल किया हुआ है, मतलब वैराग्य से भरा हुआ विचार पूर्वक निर्णय कर सकते हैं कि जो है ये जो है वास्तविक उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है, सामान्य व्यक्ति को दिखाई देता है बस तो सोचता है इसका ये कार्य ये कारण है इस प्रकार से सोचता रहता है, परंतु पारमार्थिक उत्पत्ति होना संभव नहीं है। प्रविशंति मतलब निश्चिन्वंती, मतलब वो जो है निश्चय कर लेते हैं, कार्य इसके ऊपर टीका के एक लाइन हमने पढ़ लिए थे है ना, चिकित्सित कुंभ संवेदन समानांतरम कुंभ संभवती और संभूतश्चाशु कर्मतया स्वसंविद्धम जनयती थी व्यवहार अपि न उपबद्धते कस्यचित् अपि तब विद्युत अनुरोधेन अनन्यत्वात् इति आह बोलते हैं, जिस वस्तु को हम मतलब उत्पत्ति करने की इच्छा करते हैं चिकित्सित घरा वो पहले मन में हमारे संस्कार रूप में बैठा हुआ है, ज्ञान भाषणात्मक संस्कार बैठा है उसमें संवेदन संबंध उसको समझने के बाद हम क्या करते हैं उसको बाहर हम उत्पन्न करते हैं, फिर बाहर जब उत्पन्न हो गया वस्तु तब हम क्या करते हैं उसको जब देखते हैं उस विषय के संस्कार फिर जाता है, फिर हम सोचते हैं इसमें क्या मॉडिफिकेशन हो क्या अच्छा होता कि फिर इस प्रकार से विषय को उत्पन्न करना और फिर विषय को उत्पत्ति से एक नया संस्कार आना ये जो चलता रहता है ना चिकित्सित कुंभ स्वयं पूर्ववादी बोल रहे हैं संवेदन समानांतरम कुंभ संभवती संभूतश्चा से उत्पन्न होकर के कर्मतया विषय रूप बन करके ससंवेदनम जनयती वो अपने लिए एक ज्ञान का उत्पन्न करते अंदर इति व्यवहार इस प्रकार व्यवहार भी तो संभव नहीं होगा यदि एक ही चीज रह गया तो व्यवहार में नपद्धति कश्य चीज किसी के लिए भी नवा संभव नहीं होगा। तब बोलते हैं विद्वत दृष्टि में ऐसा ही है, अज्ञान की दृष्टि में होने पर भी ज्ञानी की दृष्टि ऐसे किसी को विद्वत दृष्टि अनुरोधे न अनन्यत्वा देती है, विद्वत के दृष्टि का अनुरोध से ये जो आत्मा किसी से भिन्न नहीं होने के कारण वहाँ पे द्रव्यत्व धर्म भी नहीं है और किसी से भिन्न नहीं होने के कारण वहाँ पे जाए अन्न के लिए हेतु बन जाए अपने से भिन्न किसी वस्तु के लिए हेतु बन जाए ये भी होना संभव नहीं है, इसको मन में रखते हुए श्लोक में प्रतिक्रिया था एवं न चित्तजा धर्म चित्तम वापि न धर्मजम। अब आगे देखिए इसी को दूसरे तरफ से बोलते हैं यश्च धर्मा धर्मादे, पहले तो घरा और घरा की ज्ञान इसको लेकर के बोला, अब क्या हो गया दूसरा बोलते हैं यश्च धर्मादे शरीरादेश्च, और जो क्या है
धर्मादि का, धर्मादि से क्या होता है, धर्म आदि से शरीर का, और उसी प्रकार शरीर से धर्मादि का। देखिए इतना सुंदर शब्द लिखे मजे से, धर्मादि इकारांत शब्द है और शरीर आदि भी इकारांत शब्द है। एक बार इससे इसका दोनों का पंचमी षष्ठी हरि का दोनों एक बनते, हरे हरे बनते हैं। तो एक बार जब धर्माधर्म से शरीर का और फिर शरीर से धर्माधर्म का, है ना, ये दोनों अर्थ यहाँ से निकल आएगा। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं जश्च धर्माधर्मादि शरीरादिश्च कार्यकारण भाव, ये जो यहाँ पे जो कार्यकारण भाव का मान्यता देते हैं, विद्वद्दृष्टा ये ज्ञानी की दृष्टि से, पुरस्तात् निरस्तः, ये जो जो पहले इसका जो है निराकरण कर दिया गया, जो क्योंकि वहाँ पे क्या बोला था, ये बताओ पहले हेतु पहले है कि फल पहले है, प्रश्न उठाया था, ठीक है ना, शरीर पहले है कि धर्माधर्म पहले है, उत्तर नहीं दे पाया। जब तुम अपने प्रश्न को उत्तर नहीं दे पा रहे तो मैं निश्चय नहीं है। इधर तुम क्या बोलते हो, ये अनादि है, अनादि मतलब जिसका आदि नहीं है, और हमको सामने क्या दिखाई पड़ रहा है, फल की भी उत्पत्ति दिखाई पड़ते हैं और शरीर की भी उत्पत्ति दिखाई पड़ते हैं, और इधर बोलते हो अनादि, ये कैसे हो सकता है, यदि अनादि मानो तो अनादि मानो फिर कहाँ से उत्पत्ति होगा। इस प्रकार से पहले खंडन करके आया था, हेतु और फल जो है इसमें कार्यकरण भाव, शरीर और धर्माधर्म में कार्यकरण भाव सिद्ध नहीं करते, मान्यता दे करके सामने दिखाई पड़ते हैं, हम बोलते हैं कि ठीक है मान्यता दे करके अज्ञान अवस्था में समझाने के लिए मान्यता देते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति विचारपूर्वक निर्णय करेंगे तो ना शरीर है ना कोई धर्माधर्म है, धर्माधर्म से कोई संबंध हमारे है ही नहीं, तीनों का शरीर नहीं है धर्माधर्म कहाँ से होगा, ये तो कल्पना ही मात्र है। यश धर्म धर्म दे धर्मादे शरीरादिश्च कार्यकरण भाव विद्या दृष्ट पुरस्तात् निरस्त, विद्वान की दृष्टि से वो पहले निराकरण कर दिया गया। स अपि अन्यत्व अभावेन सिद्धति इतिहास, ये जो निराकरण कर दिया गया है ना, क्योंकि वहाँ पे किस किस युक्ति के आधार पर किए थे, कौन पहले है कौन बाद में, इसको तुम निर्णय नहीं कर पाओगे। यहाँ पे क्या बोलते हैं, आत्मा सभी से अभिन्न है, फिर तो यहाँ पे उससे किसी का दूसरे को उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं सो अपि। देखो सात नंबर टिप्पणी में बोलते हैं वहाँ पे सो अपि मतलब निराशो अपि, वो जो निराश निराकरण कर दिया गया था, सो अपि अन्यत्व अभावे न, मतलब यहाँ पे आत्मा किससे भिन्न नहीं होने के कारण सिद्धति मतलब हेतु फल भाव सिद्ध जो नहीं उत्पन्न होना संभव नहीं, ये सिद्ध हो जाता है, निराश मतलब निराकरण सही हो जाता है, ये कहना चाहते हैं। जो पहले निराकरण करके आया उस निराकरण को एक आदर अनदर कॉज मतलब क्या हो गया, दूसरा हेतु क्या दे रहे हैं कि जो है यहाँ पे आत्मा सभी से अभिन्न होने के कारण, वहाँ पे किंतु कार्य तो कारण भिन्न रूप में दिखाई पड़ते हैं, यहाँ पे सभी से अभिन्न होने के कारण ऐसा होना भी यहाँ पे संभव नहीं है। इसलिए बोला यश धर्मादि शरीरादिश्च कार्यकरण भाव विद्या दृष्ट पुरस्तात् निरस्त, ये निरस्त जो है स्व इस निरस्त को रेफर कर रहे हैं, जो निराकरण कर दिया गया स्वपि अन्यत्व अभावे न, ये जो निराकरण कर दिया वही सिद्धांत ही, यहाँ पे आत्मा किसी से भिन्न नहीं होने के कारण वो मतलब निराकरण उनका सिद्ध है, मतलब वो प्रमाणित हो जाता है। इति आह इसी को मन में रखते एवं हेतु फला जाति प्रविशन्ति मनीषिणः, आठ नंबर टिप्पणी भी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, आठ नंबर से अनन्यत्वादिति आनुकूल्येन विद्वान भिन्नत्व अभावादिति अर्थ, मतलब विद्वान अभिन्नत्व अभाव, सॉरी एक मिनट क्या लिखा है वहाँ पे, युवा लिखा है कि द लिखा है, आठ नंबर अनुकूल्येन अनुकूलता के भाव से विज्ञान भिन्नत्व अभाव, ठीक है, विज्ञान भिन्नत्व अभाव मतलब ज्ञान आत्मा विज्ञान स्वरूप आत्मा से किसी का भिन्नत्व नहीं होने के कारण वो जो पहले निराकरण कर देगा तो कार्यकरण भाव तो दो वस्तु में होता है, यहाँ पे तो एक ही वस्तु है तो कार्यकरण भाव कहाँ से होगा, इसलिए बोलते हैं सो अनुकूल लेना मतलब उसके अनुकूलता के साथ, इसको देख सिद्धति का अर्थ करते अनुकूल लेना मतलब अनुकूलता के विज्ञान भिन्नत्व अभाव, विज्ञान से भिन्नता के अभाव होने के कारण यहाँ पे कार्यकरण भाव होना संभव नहीं है। कौन सा कार्यकरण भाव, ये जो शरीर से धर्म 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 है, ये जो है कार्यकर्ता हुआ चित्त से जीव और जीव के अंदर चित्त उत्पन्न होना, ये जो कार्यकरण क्योंकि सभी से अभिन्न है वो विज्ञान, इसीलिए वहाँ पे विज्ञान में इस प्रकार कार्यकरण भाव का निरूपण करना संभव नहीं है, ये अभिप्राय। एवं हेतु फला फल अजातिम प्रविशन्ति मनीषिणः, अब जो है टीकाकार बोलते हैं तत्र पूर्वार्धम योजयति, अब इस श्लोक में जो पहला आधा भाग है उस आधा भाग को भगवान भाष्कर अर्थ करते हैं, मतलब इस तत्र से कह लेंगे इस श्लोक में जो पहला आधा भाग है उसको भाष्कर अर्थ करते हैं भाष्य में। एवं यथोक्तेभ्य हेतुभ्य
आत्म विज्ञान स्वरूपम एव चित्तम इति न चित्तजा बाह्य धर्मा नापि बाह्य धर्मजं चित्तम विज्ञान स्वरूप आभास मात्रत्वात् सर्वधर्मानाम। ठीक है, एवं इस प्रकार से क्या बोलता है, यथोक्तेभ्य हेतुभ्य। यथोक्त हेतु पहले क्या दिया था, कौन पहले है ये तुम निर्णय करके नहीं कह सकते हो। दूसरे हेतु क्या दिया, सभी से अभिन्न होने के कारण ये जो दिया यथोक्तेभ्य हेतुभ्य, तो बहुवचन ने बोला आगे। और जो है मतलब इस अधिष्ठान भिन्न और कुछ अधिष्ठान के द्वारा भ्रांति नहीं, अधिष्ठान के ऊपर ही भ्रांति होता है, क्योंकि हम साप्निक वस्तु देखते हैं, जैसे स्वप्न दृष्टा के ऊपर ही अपनी वासना से सब देखते थे, इसलिए मिथ्या होता है, जो दृश्य होता है वो मिथ्या होता है। इस प्रकार से कई हेतु पहले देख करके आया, यहाँ भी बोलते हैं यथोक्तेभ्य हेतुभ्य आत्म विज्ञान स्वरूपम एव चित्तम। चित्त क्या है, अपना आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है, आत्म विज्ञान स्वरूप, आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है, उस आत्मा ज्ञान स्वरूप ही चित्त, क्योंकि रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, वो क्या बोलेंगे हम, रज्जु ही है, वो रज्जु ही सर्प रूप में दिखाई, इसलिए आत्म विज्ञान स्वरूपम एव चित्तम इति। इसलिए न चित्तजा बाह्य धर्म, इसलिए चित्त से उत्पन्न हुआ जीव ऐसा नहीं, बाहरी वस्तु भी नहीं कहा जा सकता, चित्तजा बाह्य धर्म नापि। इसी प्रकार से दूसरे उल्टा तरफ भी बोलता है बाह्य धर्मजम, बाहरी वस्तु से उत्पन्न हो गया, मतलब ये बाहरी वस्तु मतलब आत्मा से भिन्न हो, बाहर से, बाहर से कहना क्या है, आत्मा से भिन्न होकर के जीव, और उस जीव में चित्त की उत्पन्न हुई, ये भी नहीं कहा जा सकता है। इसे बोलते हैं बाह्य धर्म नापि बाह्य धर्मजम चित्तम, क्यों, क्योंकि विज्ञान स्वरूप आभास मात्रत्वात् सर्वधर्मानाम। समस्त धर्म बोलते हैं यहाँ पे जो भी कुछ संसार में वस्तु दिखाई पड़ रहा है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सभी वस्तु विज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उसके आभास मात्र है, मतलब उसके द्वारा ये आभास बात देखी यहाँ पे, मतलब उसके द्वारा सत्ता स्फूर्ति प्राप्त किया हुआ है, इसके ऊपर प्रतीति मात्र हो रही है। जिस प्रकार ये रज्जु ही सर्प को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हैं, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प को सत्ता स्फूर्ति कौन प्रदान करते हैं, सत्ता स्फूर्ति, क्योंकि स्फुरन तो आपका रज्जु का ही हो रहा है वहाँ पे, परंतु उसका और उसका उसी का ही सत्ता भी है, परंतु दिमाग में हमारा जो कल्पना बैठा हुआ वो उसके साथ मिल करके हम सर्प रूप में उसका सत्ता भी स्फुरन भी हो रहा है सर्प रूप में, हम क्या सोचते हैं सर्प ही है, यानी कि सर्प का सत्ता और सत्व का स्फुरन हमको दिखाई दे रहा है, इसलिए वो अधिष्ठान ही उसके विज्ञान स्वरूप आभास मात्रत्व, विज्ञान स्वरूप की आभास मात्र होने के कारण किसका, सर्वधर्मानाम, जो भी कोई वस्तु दिखाई दे रहा है विज्ञान स्वरूप से भिन्न नहीं है। इसीलिए जैसे उत्पत्ति के लिए एक से भिन्न वस्तु उत्पत्ति होता है, एक से दूसरा, जब मृतिका से घरा तंतु से पट, ऐसा किसी से भिन्न नहीं होने के कारण यहाँ की उत्पत्ति होना, आत्मा से किसी की उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है, ये अभिप्राय से यहाँ पे बोल रहे हैं। एवं यथोक्तेभ्य हेतुभ्य आत्मविज्ञान स्वरूपमेव चित्तम। तीन नंबर टिप्पणी हम देखिए क्या बोलते हैं, चित्तमिति चित्त शब्देन आत्मस्वरूप विज्ञानमेव व्यक्ष, बोलते रहे चित्त, ये तो बोल रहे हूँ सर्प, परंतु बोलना भी प्राय क्या है, सर्प को ठीक से देखो, अपनी चित्त को ठीक से देखो तब क्या मिलेगा आपको, चित्त को ठीक से देखो तो क्या मिलेगा आपको, चित्त मिलेगा। जैसे कहा रज्जु सर्प को ठीक से देखो तो क्या मिलेगा आपको, रज्जु मिलेगा। इसी प्रकार चित्त तो आपको समझ में आता है ना, चित्त तो समझ में आता है, संस्कार आदि जो संस्कार है जो भी कुछ अंतकरण से वो आपको समझ में आता है, तो उसको ठीक से देखो तब क्या हो जाएगा, उसको जैसे जैसे देखते जाएंगे ना अंतकरण की वृत्ति जो है धीरे धीरे कम होता जाता है, सुधरता जाता है, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वहाँ पर जो है वो चित्त ही अनुभव में, चित्त ही अनुभव में आता है। इसलिए आप बोलते हैं कि चित्त शब्देन आत्मस्वरूप विज्ञानमेव, स्वरूप कुछ जो आत्मा है जो विज्ञान स्वरूप है उसको यहाँ पे बोलना अभिष्ट विवक्षित मिति अर्थ, ये हो गया चित्त। चार नंबर इति मतलब इस कारण से इति तेन तद अभिधाना हेतोर इति अर्थ, ये जो चित्त यहाँ पे इति शब्द हेतु अर्थ में आया हुआ है। एवं यथक्तेभ्य हेतुभ्य आत्मविज्ञान स्वरूपमेव चित्तम, इसलिए इसलिए को समझाने के, इसलिए न चित्त मतलब इसलिए न चित्त या बाह्य धर्म से चित्त से उत्पन्न, बाहरी वस्तु चित्त से उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इति इति मतलब तेन तद अभिधाना, उस प्रकार कथन है हेतु रीति अर्थ, हेतु रूप में जिसको कथन किया गया वो ऐसा होता पारमार्थिक होना सचित्त न चित्त या इति मतलब इस कारण से तेन तद अभिधाना, इस प्रकार कथन होने के हेतु, हेतु इस प्रकार है कौन, किस प्रकार है, विज्ञान स्वरूप है हेतु,
वो किसी भिन्न नहीं है हेतु, इसलिए वहाँ पे किसी प्रकार से उत्पत्ति होकर के परिच्छिन्न रूप उत्पत्ति हो जाए वो पारमार्थिक संभव नहीं, इसलिए बोलता है इति। इति शब्द के हेतु अर्थ में प्रयोग करते न अभिधानात हेतु रीति अर्थ यदि प्रत्यर्थ हो। अच्छा भाई, फिर बाह्य धर्म नापि बाह्य धर्मजम चित्तम, और जो है कि बाहर की वस्तु से उत्पन्न हुआ चित्त ये भी नहीं बोल सकते। इस प्रकार चित्त से कोई बाहरी वस्तु उत्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार बाहरी वस्तु से चित्त बना ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं आप। चित्तम विज्ञान स्वरूप आभास मात्रत्व, पांच नंबर टिप्पणी में जो विज्ञान इत्यादि, मतलब अब जो है बाहरी वस्तु क्या है, प्रतिबिंब है। हाँ, प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब से तो बिंब की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकते, सारा प्रतिबिंब कंट्रोल बिंब ही करता है, प्रतिबिंब कभी बिंब को कंट्रोल नहीं करता। मान लो आप दर्पण में आपका चेहरा देख रहे हैं, आप जो है आप चाहते हैं कि आप त्रिपुंड करेंगे तो आप सिर्फ दर्पण में लगाएंगे कि नहीं, त्रिपुंड करने के लिए आँख कहाँ लगाएंगे, दर्पण में। आप अपने सर पे यहाँ पे देखना चाहते हैं कि मैं त्रिपुंड किया हुआ, तो आप अगर अपने कपाल में त्रिपुंड लगाना चाहता है तो प्रतिबिंब जहाँ पे दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे त्रिपुंड में लगाएंगे कि नहीं, कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो वहाँ दिखाई देगा ना, इसलिए वहाँ के तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये यहाँ पे बोल रहे हैं पांच नंबर टिप्पणी में, विज्ञानम इत्यादि तत् प्रतिबिंब कल्पतया तन मात्रता अर्थ, उसका प्रतिबिंब के समान होने के कारण वो बिंब मात्र ही है, उससे भिन्न और कुछ नहीं है, इसलिए उससे अलग करके उत्पन्न होना संभव नहीं है। विज्ञान स्वरूप आभास मात्रत्व, इसलिए बोलते हैं तत् मतलब जो बिंब तत् अथवा विज्ञान प्रतिबिंब कल्पतया, वो जो है वो प्रतिबिंब के स्वरूप जैसा होने के कारण तन मात्र तत् मतलब प्रतिबिंब को बिंब को बिंब सत्ता को छोड़ करके प्रतिबिंब का कोई अलग सत्ता होता ही नहीं है, इसलिए उससे मतलब वो धर्म जैसे चित्त कुछ उत्पन्न हो जाएगा वो कैसे हो सकता है। उससे पहले तो चित्त ठीक है वो चेतन है, उससे कुछ उत्पत्ति होना संभव है, किंतु चेतन का धर्म यही है वो परिच्छिन्न नहीं होता, विकारी नहीं है, तो वहाँ से उत्पत्ति होना संभव नहीं है। चित्त जब विषय के साथ दिखाई देता है, चित्त जब संस्कार के साथ दिखाई दे रहा है, चित्त हो गया, मतलब चित्त होने पर भी उससे उत्पन्न कुछ नहीं होता, क्योंकि चित्त का धर्म ही ऐसा है कि उसमें कोई विकार होना संभव नहीं है और व्यापक होने के कारण ठीक है। बाहरी वस्तु है, बाहरी वस्तु तो चित्त का ही प्रतिबिंब है, वो तो कोई पारमार्थिक सत्ता वाले है ही नहीं, तो पारमार्थिक सत्ता वाले है नहीं तो क्या उत्पन्न करेगा, इसलिए उससे भी चित्त उत्पन्न होना, बाहरी वस्तु से भी चित्त का उत्पत्ति होना संभव नहीं है दोनों तरफ से। इस मत अभिप्राय क्या है, ये कहाँ पे क्या धर्माधर्म भी मिथ्या है, शरीर भी मिथ्या है, शरीर से धर्माधर्म भी धर्माधर्म से शरीर, ये दोनों ही होना संभव नहीं है, दोनों ही कल्पना है। जब तक इसका आवेश रहता है मन में तब तक हम लोग उसमें, अब अगला श्लोक में इसी को स्पष्टीकरण देंगे, अब आगे दृष्टि कर देंगे। फिर यहाँ पे आगे चित्त जिज्ञासा, यश्च टीका में जो बोला यश्च धर्मादि शरीर आदिश्च कार्य कारण भाव विद्वत दृष्ट पुरस्ता निरस्त शो अपि अन्नत अभावेन सिद्धति एवं हेतु। अच्छा, तत्र पूर्वार्धम जो जो है इसका भी कर दिया। आप आइए टीका में, फिर आत्मस्वरूपस्य निर्विकारत्वम अद्रव्यत्वम अप्रसिद्धत्वम इत्यादयो यथक्त हेतव एवं यथक्त हेतुभ्य, लिखा है वहाँ पे भाष्य में उसका अर्थ देख रहे हैं टीका का। यथक्त हेतु क्या है, आत्मस्वरूपस्य है ना, जो आत्मा को जो यथार्थ स्वरूप है, पहला क्या है निर्विकारत्व है ना, उसमें कोई विकार होना संभव नहीं, परिणाम होना संभव नहीं है। अद्रव्यत्म दूसरे हेतु दिया, द्रव्य द्रव्य से द्रव्य तो उपादान कारण बन सकते हैं, द्रव्य तो धर्म भी इसमें नहीं है। फिर अप्रसिद्धत्म मतलब इस प्रकार से कार्यक्रम भाव की प्रसिद्धि भी कहीं भी नहीं है, इसलिए इत्यादय इस प्रकार के हेतु है यह यथक्ता हेतव, ये जो ऊपर जो यथक्तेभ्य हेतुभ्य ये है वो हेतु। यहाँ पे देखिए नौ नंबर और दस नंबर दो टिप्पणी दिखाई पड़ती ठीक है। नौ नंबर टिप्पणी क्या बोलते हैं कि आत्मस्वरूपस्य इत्यादि आत्मस्वरूपस्य निर्विकारत्वम जन्म मरणादि विनिर्मुक्तः इत्तादो उक्तम, शुरू में बोल दिया आत्मस्वरूप है ये निर्विकार है, विकार से रहित है, जन्म मृत्यु एक विकार वस्तु है, जन्म और मृत्यु दोनों ही विकार है, वो स्थूल शरीर में होता है आत्मा में नहीं है, इसलिए आप ये बोलते हैं कि आत्मस्वरूपस्य निर्विकारत्वम कि जन्म मरण विनिर्मुक्तः आत्मस्वरूप जन्म मृत्यु से रहित है इति आदो उक्तम, शुरू में पहले कथन करके आया। और दूसरा क्या कौमा है वहाँ पे तस् अद्रव्यत्म, तस् मतलब आत्मस्वरूपस्य अद्रव्यत्म मतलब वो द्रव्य भाव भी नहीं है, अद्रव्यत्व अन्न भाव अद्रव्य से भिन्न भाव भी नहीं है, मतलब गुण क्रिया ये भी नहीं है आत्मस्वरूप में, न गुण है न क्रिया है न द्रव्य है, इसलिए बोलते हैं
कि तस्य आत्मा स्वरूपस्य अद्रव्यत्वम्। द्रव्यत्व अन्य भाव, अद्रव्य से भिन्न कोई वस्तु जाएगा वो भी आप नहीं बोल सकते। इति अत्रैव उक्तम्, इसको भी यहाँ पे कहा गया है, द्रव्य द्रव्य दोनों नहीं हो सकता ऐसा कहा गया है। इसलिए अप्रसिद्धत्वम च धर्मादि शरीरादिश्च, और जो है ये धर्माधर्म और शरीर ये भी कोई प्रसिद्ध वस्तु नहीं है। पूर्व मीमांसा किसके लिए? अज्ञानी के लिए तो प्रसिद्ध है, परंतु ज्ञानी की दृष्टि से वो दोनों ही नहीं रह जाता, ना धर्माधर्म रहता है ना शरीर रहता है। इसलिए बोलते हैं अप्रसिद्धत्वम च धर्मादि शरीरादिश्च, इसलिए न धर्माधर्म के साथ आत्मा का कोई संबंध है न शरीर के साथ आत्मा का कोई संबंध। जब आत्मदृष्टि खुलेगा तब, जब तक शरीर दृष्टि है तब तो शरीर भी है धर्माधर्म भी है, जब शरीर दृष्टि से आप ऊपर उठ जाएंगे तब न शरीर है न धर्माधर्म। इसीलिए इस ध्यान रखना, मैंने हमेशा मिथ्यात्व सापेक्षिक बोलते हैं, जब जब तक आत्मदृष्टि अथवा ब्रह्मदृष्टि अथवा विश्व दृष्टि नहीं आता तब तक आपको धर्माधर्म शरीर को मानना है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अप्रसिद्धम च अप्रसिद्धत्वम च धर्मादि शरीरादिश्च, ये धर्म अधर्म आदि से शरीर इंद्र मन बुद्धि मिथ, इसलिए आपस में कार्यकारण भाव असंभव हेतुतया, इसलिए आपस में इन दोनों में कार्यकारण भाव कभी भी होना संभव नहीं है। किसमें कार्यकारण भाव? मतलब शरीर से धर्माधर्म और धर्माधर्म से शरीर। एक बार धर्माधर्म हो गया हेतु और शरीर हो गया कार्य, अब शरीर हो गया हेतु धर्माधर्म हो गया। इस प्रकार से जे कार्यकारण भाव असंभव हेतुतया, फिर इसका देखो कोटेशन दे रहा है, फलादुत्पद्यमान सम कथम हेतुर्भविष्यति, नंबर 17 देखो, इसी में नंबर 17 नंबर पर फलादुत्पद्यमान सन्नते हेतु प्रसिद्धति अप्रसिद्ध कथम हेतुर्फलम उत्पादयिष्यति। नंबर 17 पहले बोल कर कहा, इसी में पेज 213 मिला ना, ये पहले बोल कर कहा, कुछ प्रसिद्ध है नहीं है कैसे उत्पन्न, अप्रसिद्ध कथम हेतु फलम उत्पादयिष्यति, जो हेतु रूप में सिद्ध ही नहीं होता वो कैसे उत्पन्न करके। इसलिए फलात उत्पन्न मानसन, ये कोटेशन है, इति ये कोटेशन है, ये किसका कोटेशन है? फलात शांति का 17 नंबर वर्स है। पद उक्त तुल्य नयन, इस श्लोक में कहा गया है जो युक्ति को उसी युक्ति के द्वारा यहाँ पे समझना पड़ेगा। जैसे पद्य तुल्य नयन, उस पदुक्त उस वर्ष में उस श्लोक में कहा गया है जो युक्ति को उसी समान युक्ति यहाँ पे लगाएंगे। संवेदन घटादीना प्रश्न वैसे उठाया था, ज्ञान और द्रव्य, संवेदन घटादीनाम अन्य कार्य कारण भावी अपनी, ये क्या बोला था उसने, पहले हमारा ज्ञान मतलब घटपट संबंधित ज्ञान, उससे बाहरी वस्तु, फिर बाहरी वस्तु से घट संबंधित ज्ञान, इस प्रकार इनमें जो कार्यकरण भाव यहाँ पे कहा गया था यहाँ भी ऐसे ही है। यहाँ भी आप निर्णय नहीं कर पाओगे कि संस्कार कहाँ से आया पहले, अब बोले हमको तो दिखाई देता है, वो तो भ्रांति से तुमको प्रतीति हो रही है। एक बार निश्चय करो मैं समझता हूँ आत्मा में कोई संस्कार नहीं है, आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, तब जाके क्या हो जाएगा, फिर उससे बाहरी वस्तु देखना। अब क्या है, संस्कार के कारण हम बाहरी वस्तु को देखते हैं, फिर बाहरी वस्तु से नया संस्कार उत्पन्न होता है, यही चल रहा है, घटी यंत्रवादी घूमता रहता है। परंतु एक बार विचार पूर्वक यदि हम ये निर्णय करते हैं कि संस्कार के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, तब क्या हो जाएगा, फिर बाहरी वस्तु के साथ संबंध नहीं होता जाएगा, नया संस्कार उत्पन्न होगा। ये जो हम लोग हमेशा कई बार बोला है इस चीज़ के वृहदारण्य उपनिषद में आए हैं, संसार में प्रत्येक जीव जितने अन्न रोज खाते हैं फिर भी अन्न समाप्त क्यों नहीं होता, इस अवतार में ब्राह्मण में आया हुआ, फिर भी वह कहते हैं पुरुष हो वही अक्षिति, पुरुष जो है अक्षय है। कैसे अक्षय है पुरुष? क्योंकि वो प्रारब्ध भोग करते हुए नया प्रारब्ध उत्पन्न कर लेता है, ये प्रारब्ध भोग करते हुए ना ये जन्मांतरी संस्कार हम प्रारब्ध मान करके फिर उससे हम बाहरी वस्तु उत्पन्न करता है, फिर बाहरी वस्तु भोग करता है, फिर नया संस्कार करते हैं। आप देखिए स्वप्न में कोई भोग किया उसका संस्कार आपके पास आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, स्वप्न में संस्कार नहीं आता है, संस्कृत वो तो भोग है। यदि इस प्रकार जागृत वस्तु में अपना स्वप्न तो निश्चय हो गया तब क्या हो जाएगा, हाँ तब व्यवहार होते भी संस्कार नहीं आएगा। यही वेदांत का यही सुविधा, मतलब यदि आप निश्चय करते हो संस्कार हमारे अंदर है नहीं, जब तक प्रारब्ध तब तक प्रतीति है, सत्यत्व नहीं है, प्रारब्ध जनित जो भी कुछ कर्म होगा करते हुए उसका संस्कार नहीं है, क्यों कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं है, कुछ फलच्छ भी नहीं है, अब जान लिया सब मिथ्या ही। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि संवेदन घटादीनाम अन्योन्य कार्य कारण भावी अपनी बाधकतया अनुसंधान बद्धम, यहाँ पे जो है
बोल रहे थे वहाँ पे क्या बोला था आपने कि घट के संस्कार और घट वस्तु, ये जो संवेदन और घट संवेदन मतलब ज्ञान और घटादि मतलब वस्तु, ये अनज्ञान और वस्तु में अनन्य कार्यकारण भाव है। ये जो अनन्य कार्यकारण भाव है अभी बाद में बताया ज्ञान, क्योंकि दोनों किसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, अधिष्ठान आत्मा के ऊपर दिखाई, आत्मा से अभिन्न होकर के दिखाई दे रहा है। जैसे आपको आत्मा देखने लग जाएगा तब आपको ना संस्कार दिखेगा ना संस्कार करण वस्तु दिखेगा। ये संस्कार ये कैसे होता है, जैसे मन में बैठा हुआ है, कर्मकांड करते थे, शास्त्र आचरण करते थे, बस यही कर्म जो है हमारे लिए पुण्य का हेतु है, सुख का हेतु है, इसको छोड़ नहीं पाते। कोई व्यक्ति सोचता है गंगा जी के तट में रहते हैं रोज गंगा स्नान करूँगा तो पुण्य, कोई सोचता है कि बद्रीनाथ जाऊँगा तो यात्रा तीर्थ यात्रा पुण्य के लिए होता है। ये जितना दृढ़ रूप में बैठा हुआ इससे पुण्य लाभ होगा तो हम सुख सुख हो गए। ये जो अभिनिवेश बैठा हुआ है ये अभिनिवेश हमको क्या करते हैं, उस प्रकार के संस्कार फिर उत्पन्न करते हैं और फिर जो संसार चक्र बढ़ाते रहते हैं। परंतु जैसे जैसे आत्मदृष्टि खुलते जाते हैं ये सारा वस्तु आत्मा के ऊपर ही कल्पित है। मैं ही, गलत नहीं समझना, यदि आप ठीक से, मैं ही उस देवता के रूप में मैं ही बैठा हुआ हूँ, मैं ही एक दूसरा शरीर से उसका पूजा भी कर रहा हूँ। देवता शरीर के अंदर भी जो चेतन बैठा हुआ है और उस देवता को पूजा कर रहे हैं, जो शरीर उस शरीर के अंदर भी वही चेतन बैठा हुआ है, शरीर के रूप भिन्नता दिखाई पड़ रही है। कभी ऐसा आपको लगेगा आजान सुनने पर देखो मेरा ही प्रीति कर रहे हैं, कहीं चार्च में प्यार हो रहा है तो आपको लग सकता है देखो मेरा ही प्यार हो रहा है, कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ। ये नहीं कि मेरा हो रहा है और दूसरा, तब नहीं, तब गलत हो जाएगा। सर्वम खलु इदम ब्रह्म जहाँ बोलेंगे तो यदि मैं ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, केवल अयम आत्मा ब्रह्म में तो ज्ञान पूरा नहीं होगा। इस प्रकार से तब क्या हो जाएगा, सारा व्यवहार देखना इतना सुधर जाएगा। ठीक है व्यवहार व्यवहार के जगह पे रहेगा परंतु अपने अंदर की वृत्तियाँ जो है बिल्कुल एक अलग विलक्षण वृत्ति है, कहीं पे भिन्नत नजर ही नहीं है। इसको क्या पे बोलते हैं, बाधक होता है, वो बाधित हो जाता है। क्या बाधित हो जाता है, ये हमारे संस्कार और संस्कार पे दिखाई दे रहा है दोनों वस्तु, किसके ऊपर दिखाई दे रहा है, वो शुद्ध अधिष्ठान के ऊपर मेरे ऊपर दिखाई दे रहा है। तो मेरा निष्ठा अपने स्वरूप में आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, वो संस्कार भी जाएगा और उसके संबंध में जो प्रतीति हो रहा है, मतलब ये गंगा स्नान करने से पुण्य होता है, मंदिर जाने से पुण्य होता है, ये संस्कार जाएगा और फिर उसके लिए जो काम करते हैं उसका वो भी चला जाएगा। व्यवहारिक रूप से कभी शरीर गया कहीं तो फिर भी वो जो है उसके साथ उनका तादात्म्य नहीं है, कभी तादात्म्य नहीं। यहाँ पे एक स्वामी जी थे उत्तरावास में, उनका नाम त्रैक्षरानंद स्वामी, अच्छे विद्वान संत थे। वो जब वहाँ पे पुरुलिया में उनका आश्रम है, आप शिष्य लोग आते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे जब आते हैं उनकी कोई कमी नहीं है, परंतु क्षेत्र में भिक्षा के लिए जाएंगे, क्षेत्र से भिक्षा लाएंगे और फिर गंगा जी निकाल करके उसी को पाते, किसी भी देखेंगे तब बोलते जब बोलते वो क्या है उस समय इतने इस उम्र में भिक्षा नहीं जाते, बोलते वो तो हमारी मर्यादा है और इसका संस्कार अपने आप बोल देते हैं, इसके संस्कार पड़ा हुआ है कि क्षेत्र शुरू से यहाँ पे क्षेत्र में अन्न लेके इसी उत्तर का आने से लगता है कि क्षेत्र अन्न खाना ही ठीक है, बाकी तो इसे इनका धर्म ही मान सकते हैं। सभी के छोटे बड़े कुछ भी हो सभी के ओम नमो नारायण अपने आप को देखते हैं अच्छे थे। आपने देखा ना त्रक्षण समझे, तो यहाँ पे जो है ये बोल रहे हैं कि आत्मस्वरूप से निर्विकारत्म, आत्मस्वरूप के निर्विकार होने के कारण, तो यहाँ पे बोल दिया कि ये जो संस्कार हमारे अंदर है वही हमारी बाहरी वस्तु को देखने के लिए मजबूर करते हैं, और जो बाहरी वस्तु देख लिया फिर हम नया संस्कार डालते हैं, यही चक्र चलता रहता है। ठीक है, मतलब प्रारब्ध को भोग करते हुए हम नया प्रारब्ध उत्पन्न करें, इसीलिए ये जो भगवद गीता में नहीं बोलता ना मध्य ना अंत न तो संप्रतिष्ठा, क्योंकि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग ये कर्म इसको विस्तार करके बैठे, कर्म इसको विस्तार करके कर्म संसार का समाप्त नहीं होता है, ये इसका सिद्धांत है। इसलिए बोलते हैं आत्मस्वरूप से निर्विकारत्म, ये हो गया पहला, अद्रव्यत्म मतलब वहाँ पे द्रव्यत्व धर्म नहीं है, इसलिए उसे ये कैसे करेगा, वो सिद्ध उत्पन्न कैसे करेगा। अप्रसिद्धत्म, अप्रसिद्धत्म के ऊपर 10 नंबर है, कार्यकारण भावे ही यद कारणम कारणत्म अभिमतम तब पूर्वत्न प्रसिद्धम अर्ति न परत्यन। आपने क्या बोला, नए दर्शन के सिद्धांत है कार्य से नियत पूर्ववृत्तित्व कारणम, कार्य से नियत पूर्ववृत्तित्व कारणम, जो कार्य की उत्पत्ति से ठीक नियत पूर्व क्षण में उसको रहना चाहिए, तो जो कारण है वो कार्य के पहले रहेगा, वो बाद में नहीं हो सकता, और जो कार्य है वो बाद में होगा वो पहले नहीं आ सकता है। ठीक है,
अब जो है आपने शरीर और धर्म धर्म, तो शरीर से शरीर यदि कारण है, धर्म धर्म उसका कार्य है, ठीक है ना। तो फिर शरीर फिर बाद में कैसे हो जाएगा, वो तो कारण है, कारण तो किसी कार्य को कुछ पहले रहेगा, वो बाद में फिर कैसे आ जाएगा, और जो कार्य है जो बाद में है वो पहले कैसे आ जाएगा, धर्म धर्म फिर कैसे हेतु बनेगा शरीर के लिए, इसको समझाने। अप्रसिद्ध मतलब जैसे तुम बोलते ही प्रसिद्ध नहीं है, तुम्हारे सिद्धांत में व्यक्त हो जाता है। अप कार्य कारण भाव ही, जहाँ पे कार्य कारण भाव है वहाँ पे जत कारणत्व मतलब जो तुम्हारी अभिमत में कारणत्व जिसको बोलते हो वो क्या हो जाएगा, तत्पूर्वत्वेन एव प्रसिद्धम अर्हति, वो क्या है वो पहले होना चाहिए। कहा कार्य से नियत पूर्ववृत्तित्वं कारणम, जो कारण करके जिसको मानोगे वो पहले होना चाहिए, वो पहले होना चाहिए प्रसिद्धम अर्हति, न परत्वेन बाद में नहीं होना चाहिए, वो पहले होना चाहिए। जच कार्यत्व अभिमतम, जिसमें आप कार्यत्व माना ये कार्य है वो क्या होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, वो पहले नहीं होना चाहिए। परंतु आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पहले था वो बाद में उत्पन्न होकर फिर पहला हो गया, फिर बाद में हो गया अपन इससे उत्पन्न हो गया, पहले धर्माधर्म उससे शरीर फिर धर्माधर्म आ गया तो बाद में चला गया, इसलिए इस प्रकार प्रसिद्धि नहीं है, तुम्हारे सिद्धांत में खंडित हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कार्य कारण भावे ही वहाँ पे जत कारणत्व अभिमतम तत्पूर्वत्वेन एव प्रसिद्धम अर्हति न परत्वेन, उसको पहले रहना पड़ेगा कारण, वो बाद में नहीं आ सकता है, कौमा है। जत च कार्यत्व अभिमतम, जो कार्य रूप में आप कहना चाहते हो तत्परत्वेन एव न पूर्वत्वेन, वो बाद में आना चाहिए, वो पहले नहीं आना चाहिए। तो कार्य मतलब शरीर फिर धर्माधर्म के लिए तो कैसे बन जाएगा, इसीलिए भी बोलते हैं मतलब घरा से मृतिका से आपने घरा उत्पन्न किया और फिर उसमें घरा जो है मृतिका को उत्पत्ति कर देगी, कहीं नहीं होता। यहाँ पे तो बोला था पुत्रार जन्म पितुर यथा, यहाँ था यहाँ पे ऐसे पुत्र से पिता को ऐसा तुम लोग बोलने लग जाते, ऐसा कैसे होगा। इसमें जत कार्यत्म अभिमतम तत्परत्वेन एव न पूर्वत्वेन इति न परस्परम, इसलिए इति मतलब इसलिए न परस्परम कार्य कारण भाव घटते, इसलिए इन दोनों में परस्पर कार्य कारण भाव घटती नहीं है। हेतु फलयोर चित्त धर्मयोर, दो जगह पे बोल रहे हेतु फल मतलब धर्माधर्म और शरीर, और चित्त और आपका धर्म मतलब चित्त और जीव, चित्त और जीव मतलब चित्त से जीव और जीव से चित्त, अथवा धर्माधर्म से शरीर, शरीर से हम, ये दोनों जगह पर कार्यकरण भाव होना संभव नहीं है, क्योंकि सिद्धांत है आपका कार्य से नियत पूर्व वित्तम कारणम, जो पहले है उसको पहले ही रखना पड़ेगा, वो फिर जो है बाद में आकर के फिर बाद में वो उसका लिया उत्पन्न कर देगा, ऐसा होना संभव नहीं है। इसको भी प्रस्तुत अप्रसिद्धत्म, तीन हेतु दिया वहाँ पे आत्मस्वरूप से निर्विकारत्म, पहला हेतु इसलिए परिणाम नहीं हो सकता, निर्विकारी वस्तु है। दूसरा क्या बोला अद्रव्यतम, द्रव्य द्रव्यंतर के लिए कारण मतलब वो भी आत्मा में नहीं हो सकता, सेकंड हेतु है। और तीसरा जो कार्यकरण भाव की प्रसिद्धि नहीं है, वहाँ पे अनन्य आश्रय दोष हो जाता है, मतलब धर्म धर्म सिद्ध हो तब जाके शरीर सिद्ध होगा, शरीर सिद्ध हो तब धर्म धर्म सिद्ध होगा, दुनिया के स्वतंत्र किसी को सिद्ध नहीं कर सकते, एकमात्र आत्मा ही। इसलिए हमारे छांदोग्य उपनिषद में नारद ऋषि जो है वो मनोज को छंद को मनोज को बोलते हैं ये आत्मा किस में प्रतिष्ठित है, से महिमनी प्रतिष्ठित है, जवा न महिमनी जदवा न महिमनी, उसका कोई महिमा ही नहीं है, अपने में प्रतिष्ठित है, ये स्वतंत्र सिद्ध होता है, बाकी संसार में कोई वस्तु स्वतंत्र सिद्ध नहीं, इसीलिए वो पारमार्थिक है। अच्छा फिर आगे वहाँ पे आत्मस्वरूप निर्विकारत्व मतलब यथोक्ता है, तब बाह्या धर्मा घटादय अनात्मन, वहाँ पे देखिए यथक्तव्य हेतुभ्य आत्मविज्ञान स्वरूपम एव चित्तमिति न चित्तजा बाह्य धर्मा, ठीक है ना। वो देखिए बाह्य धर्म तो बाह्यश्चु धर्मश्च, बाह्य धर्मा उसी जो ऊपर है ना भा चित्तजा के बाद बाह्य धर्म आया भाष्य में जो पद है उसके भी तो समास दिखा रहे हैं, बाह्य धर्मा बाहरी जीव मतलब बाहरी मतलब आप अपने से बाहर करके अपने से बाहर जो दिखाई पड़ जाए, घटादय अनात्मन घटा दी वस्तु आत्मा नहीं है, अपने को अगर प्रकृति मात्र होती है बाह्य धर्म मतलब शरीर, यहाँ पे लीजिए शरीर और शरीर की वहाँ पे क्या बोलता है चित्त से शरीर और शरीर से चित्त अथवा शरीर में चित्त दोनों आपस में होना संभव है। बाह्य धर्म घटादय अनात्मन न च धर्म शब्दिता नाम जीवानाम चित्त शब्दिता परस्पर आत्मन जन्म इति युक्तम, है ना, इति युक्तम न युक्तम यहाँ पे अन्य होगा, इसलिए जो भाष्यकार जो लिखा उसी का अर्थ टीकाकार एक लाइन में लिख देते हैं न को अलग कर देना, न युक्तम यहाँ पे अन्य होगा लास्ट में। धर्म शब्दिता नाम जीवानाम वहाँ पे जो एवं न चित्तजा धर्म, तो धर्म शब्द के द्वारा किसको कहा गया, जीव को कहा गया, इसलिए बोलता है धर्म शब्दिता नाम जीवाना। अच्छा और चित्त शब्द का अर्थ चित्त शब्द शब्दितात् परस्मात् आत्मा, चित्त शब्द से किसको लिया गया, परमात्मा,
चित्त शब्द के द्वारा परमात्मा को लिया गया, क्यों? परमात्मा के ऊपर कल्पित है, परमात्मा ही जो है चित्त ही चित्त रूप में दिखाई पड़ते हैं उपासनाओं के संस्कार से। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि न च धर्म शब्दिता नाम जीवानाम और चित्त शब्दिता परस्मात्मन, इनका इससे, इसलिए हमने बोला था धर्मादे और शरीरादे दोनों में पंचमी षष्ठी दोनों जगह पे रिवर्स को भैंस करके लगाना पड़ता है। चित्त शब्दिता परस्मात् आत्मन, चित्त शब्द के द्वारा कहा गया जो परमात्मा, उस आत्मा से जन्म युक्त शब्द धर्म शब्दादि नाम जीवानाम जन्म है ना, धर्म शब्द से कहते जीवों का उसका उत्पत्ति न युक्त, ये कहना युक्ति संगत नहीं है। ये पहले लाइन पर क्यों? और दूसरा तेषाम प्रतिबिंब कल्पानाम बिंबभूत ब्रह्ममात्मत्वात् इति अभिप्रेत आहो, और वो जो आपको चित्र के साथ जो दिखाई दे रहा है मतलब जीव रूप में, वो तो प्रतिबिंब स्वरूप है, प्रतिबिंब स्वरूप है। इधर तेषाम जीवानाम प्रतिबिंब कल्पानाम जो प्रतिबिंब के समान है, बिंबभूत ब्रह्म मात्रता जो है बिंबभूत जो ब्रह्म है उसका स्वरूप होने के कारण उससे भिन्न है ना, इति अभिप्रेत आहो, इसी को मन में रखते हुए बोलते हैं यहाँ पे विज्ञान स्वरूप आभास मात्रत्वात् सर्वधर्मानाम है ना, ये जो सेकंड लाइन में विज्ञान स्वरूप आभास मात्रत्वात् सर्वधर्मानाम इति। अब जो उत्तरार्थम योजयति, अब जो इस श्लोक के जो अगला आधा भाग यह है एवं हेतु फल आ जाती उसी को बोलते हैं उत्तरार्थम योजयति एवं न, यहाँ पे एवं न हेतु हो हेतु से हेतु पंचमी है न हेतु फलम जायते, इसीलिए हेतु से कोई फल की उत्पत्ति किसी कारण से कोई कार्य की उत्पत्ति या फिर हेतु और फल से कारण से कार्य की उत्पत्ति यहाँ पे होना संभव ही नहीं है। एवं न हेतु फलम जायते ना भी फलात हेतु रीति और ना कि फल से ही हेतु की उत्पत्ति हो सकती, ये भी होना संभव ही थी। इसलिए जो मूल में आया है देखिए हेतु फल आ जाते, हेतु और फल दोनों की जन्म राहित्य हेतु फलयोर अजातिम, हेतु से फल से हेतु फले और तयोर अजातिम, हेतु फल सृष्टि तक कुछ हो गया था हेतु फलयोर अजातिम, ठीक है ना, पहले हेतु और फल में तो द्वंद्व समझी तक द्वंद्व समझ, हेतु से फल से हेतु फले और तयोर मतलब हेतु फलयोर अजातिम हेतु फल अजातिम, ठीक है ना, ये प्रविशंति इस प्रकार से जन्म रहित कार्यकरण भाव रहित से जो है स्थिति को प्राप्त, प्रविशंति मतलब अध्यवशंति निश्चय कर लेते हैं, अध्यवश्यंती मनुष्य कौन मनुष्य मतलब बुद्धिमान व्यक्ति विवेकी व्यक्ति ऐसे निश्चय करते हैं कि ये जन्म रहित पारमार्थिक का जन्म होना संभव ही नहीं है। कहाँ पे आत्मनि हेतु फलयोर अभाव प्रतिपद्यन्ते, आत्मा में कार्यकारण भाव होना संभव ही नहीं है, क्योंकि सृष्टि के सूर्य में श्रुति क्या कहती है वहाँ पे सदैव स्वयं अग्रे आसित एकम बहते आत्म ही वैदम अग्रे आसित ब्रह्म ही वैदम अग्रे आसित, तो एक आत्मा ब्रह्म अथवा सद जिस एक ही शब्द अलग अलग शब्द किंतु एक ही तत्व को कहा जा रहा है कि सजातीय विजातीय सगत भेद से रहित है, इस प्रकार की वस्तु में कार्यकारण भाव होना संभव ही नहीं है, एकमात्र विवर्त से उत्पत्ति हुई। आत्मनि हेतु फल अभावम एव अभाव को प्रतिपादन करते हैं, कौन प्रतिपादन, देखिए मनुष्य ने अर्थ क्या कर दिया ब्रह्मविदः है ना, ब्रह्मवेत्ता पुरुष लोग ऐसा प्रतिपद्यन्ते आत्मनि हेतु फले और अभावम एव प्रतिपद्यन्ते ब्रह्मविद। अब देखिए देखिए अभावम एव पद धातु फोर्थ कॉन्जुगेशन देवादिगण के धातु और आत्मनि पदी धातु है, इसका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में दोनों एक ही प्रकार हुआ है ना, एक्टिव वॉइस पैसिव दोनों एक, इसीलिए यहाँ पे यदि हेतु फलयोर अभावम आप यहाँ पे प्रतिपद्यंत के यदि आप पैसिव मिलेंगे तब उसको प्रथम होगा और यदि आप उसके एक्टिव मिलेंगे तब द्वितीय होगा। अभाव हम प्रतिपद्यंते यानी अभाव का प्रतिपादन करते हैं अथवा अभाव का प्रतिपादन किया जाता है, क्योंकि फोर्थ कॉन्जुगेशन देवादिगण का धातु है, ठीक है ना, वहाँ पे शन लगे अथवा यक लगे दिखेगा तो रूप ऐसे, ठीक है ना, आप उस हिसाब से आपको भाव पद में आप करते हैं और ब्रह्म आपके अंत यहाँ पे क्या किया यदि पैसिव होता तब ब्रह्म विदा होता है प्लूरल, हाँ बहुवचन तो निश्चित है प्रतिपद्य मतलब यदि ये पैसिव होता तब क्या होता है ब्रह्म विदा बोलते, समझ में ना, क्योंकि तब कर्ता तृतीया में हो जाता है, कर्म प्रथमा कर्ता तृतीया में होता है, तब यहाँ पे ब्रह्म विदा बोलते हैं, परंतु यहाँ पे क्या ब्रह्म विदा बोल दिया यानी कि एक्टिव वॉइस में प्रयोग, ये कन्फ्यूजन है फोर्थ कॉन्जुगेशन देवादिगण के आत्मनिपदी धातु में ये समस्या होते हैं वो एक्टिव में प्रयोग किया कि पैसिव में प्रयोग किया, तब आप देखिए कर्ता को किस विभक्ति में रखा,
क्योंकि न्यूट्रल जेंडर में वो प्रथमा में है कि द्वितीय में है, समझ नहीं पाएंगे, वो भी मुश्किल हो जाएगा। तो एक मत उपाय तो अब क्या है, आप जाइए देखिए कर्ता को किस में प्रयोग किया, नॉमिनेटिव में प्रयोग किया अथवा इंस्ट्रूमेंटल में प्रयोग किया। यदि इंस्ट्रूमेंटल में प्रयोग किया तो पैसिव है, यदि नॉमिनेटिव में प्रयोग किया तो एक्टिव है, ठीक है ना। ये यही उपाय है मतलब समझने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। इसलिए यहाँ पे न उत्तरार्धम ये एवं हेतु हो फलम न जायते ना पी फलाद हेतु इति हेतु फलयोर और जाते। वहाँ पे टिप्पणी दिखाई पड़ रहे हैं, एक नंबर, एक नंबर टिप्पणी, एक नंबर हेतु फलम हेतु फल भाव प्रधान निर्देश न हेतुत्व फलतोर इति अर्थ बोच। मतलब वहाँ पे हेतुत्व धर्म फलत्व धर्म ये दोनों ही उत्पन्न होना, किसी भी वस्तु में हेतुत्व धर्म रहना, किसी भी वस्तु में फलत्व धर्म रहना संभव नहीं, कल्पित है, कल्पित है। क्योंकि तत्स्वभावे ततलो भाव प्रधान निर्देश किया गया यहाँ पे, इसलिए वहाँ त्व लगा करके बोला हेतुत्व। इसमें घट में रहता है घटत्व, इसलिए हेतु में रहेगा हेतुत्व, फल में रहेगा फलत्व। यह हेतुत्व फलत्व धर्म वाला कोई वैसे वस्तु है ही नहीं, हेतुत्व धर्म ये वही पहले भाव प्रधान निर्देश है ना हेतुत्व फलत्व इति अर्थ बोध। वैसे यहाँ पे समझना चाहिए, मतलब कहीं पे हेतुत्व धर्म कहीं पे फलत्व धर्म रहेगा ये होना संभव नहीं है। ऐसे हेतु फल और जाति हेतु फल जाति भविष्य अध्यक्ष आत्मनि हेतु फल और अभाव आत्मा में हेतु रूप फल रूप कुछ भी नहीं है। आत्मा है ना, हेतु रूप है ना फल रूप, ना सृष्टि के कारण है ना सृष्टि का कोई कार्य है। ब्रह्मविद ब्रह्मवेत्ता पुरुष ऐसे बोलता इति अर्थ। अब देखिए कब तक ये चलता रहेगा, कब तक ये चलता रहेगा, तब आप जाकर के ये निश्चय करते हैं साधक की मानसिक दृढ़ता की। सीधा सीधा बोल रहे हैं अभी, यहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगेगा। न फलात हेतु जायते नापि फलम हेतु हो इति तत्वदृष्टा उपदिष्टम। देखिए तत्वदृष्टि से इसको उपदेश किया गया, व्यवहार दृष्टि से नहीं। टीका में न फलात हेतु जायते, फल से हेतु का नायत, ये तो आपका पैसिव भी प्रयोग है, फल से हेतु उत्पत्ति नहीं होती। ना पी फलम हेतु हो फल का हेतु से इति तत्वदृष्ट, इस प्रकार तत्वदृष्टि से पारमार्थिक दृष्टि से उपदिष्ट उपदेश किया गया। आप चाहे मुमुक्ष को क्या करना है, पारमार्थिक स्थिति ऐसा है, मुमुक्ष साधक को क्या करना है। इदानी मुमुक्षुनाम तद अभिनिवेश व्यावृत्त्यर्थ, इसलिए मुमुक्ष को ये जो अभिनिवेश है, अभिनिवेश प्लेस में पैदा हुआ मैं मरूंगा, ये मेरा संस्कार ये कैसे जाएगा, मन चित्त तो एकाग्र नहीं होता, मन शांत नहीं होता तो कैसे होगा, तुमने ठीक से निश्चय नहीं कर पाया इसलिए शांत नहीं होगा। इसलिए बोलता है इदानीम मुमुक्षुनाम तद अभिनिवेश व्यावृत्त्यर्थ, ये तो क्या अभिनिवेश है, ये तो नहीं आता हमारा दक्षिणामूर्ति तो विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव च पितृपुत्राध्यात्मन वेदत स्वप्ने जागृति जयेश पुरुष माया परिभ्रामित। यही दक्षिणामूर्ति है, तस्मै श्री गुरुमूर्ते, जो इस प्रकार भाव करके व्यवहार करते हैं तस्मैदम से दक्षिणामूर्ति। ये जो है आप दक्षिणामूर्ति है, साक्षात दक्षिणामूर्ति है, थोड़ा निश्चय करो इसको। भगवान भाष्यकर कितना बल दिया था बताइए साधक के प्रति, यहाँ वही बोलते हैं इदानी मुमुक्षुनाम तद अभिनिवेश व्यावृत्ति अर्थ, ये जो जन्म मृत्यु का अभिनिवेश क्लेश योग दर्शन में क्लेश बोला इसको, सरस्वभाही विदुषरअपी तथा रूढ़ अभिनिवेश, अपने पूर्व जन्मांतर के संस्कार के अनुसार विद्वान व्यक्ति भी उसमें आरूढ़ हो जाता है, संस्कार के ऊपर आरूढ़ के व्यवहार करता रहता है, यही अभिनिवेश क्लेश है। योग दर्शन में पंच क्लेश बताए ना, अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश, अभिनिवेश का परिभाषा दिया स्वरसो भाई विदुष अपि तथा रूढ़ अभिनिवेश। स्वरसो भाई पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार जो संस्कार आया हुआ है उसके ऊपर आरूढ़ होकर के वैसे व्यवहार करना, मुख्य रूप से मैं मर जाऊंगा मैं ऐसा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इदानी मुमुक्षुनाम तत् अभिनिवेश व्यावृत्ति अर्थ तत् अभिनिवेश भाव अभावयो तद बुद्ध अनुभव दर्शयति, इसलिए वो जो अभिनिवेश किया हुआ ना उसका भाव और अभाव इन दोनों का तद बुद्ध अनुभव दर्शयति, उस बुद्धि में उद्भव होने मत दो, उसको दिखाओ, दिखाने के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि अभिनिवेश यही तो है अभ्यास, तो अभिनिवेश एक अभ्यास ही है, हमने अपने ऊपर जन्म मृत्यु का अभ्यास कर लिया और वो क्लेश बन गया हमारे लिए। योग दर्शन तो अध्यास नहीं मानते, तो प्रकृति को हमारे वेदांत हम उसको अध्यास बोलते हैं, पर हम तो योग दर्शन में अध्यास नहीं मानते, वो तो प्रकृति को सत्य मानते हैं ना, पुरुषार्थ दोनों तत्व को सत्य मानते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे प्रकृति शरीर प्रकृति का विकार है, ये अध्यस्त है हमारे ऊपर,
उनके सिद्धांत है प्रकृति से पंद्रह, प्रकृति से पुरुष भिन्न है ये ज्ञान, प्रकृति पुरुष का विवेक से होता मुक्ति ऐसे होना। हम तो एक तत्व के ज्ञान से मुक्ति मानते हैं और दो तत्व के ज्ञान से मुक्ति मानते हैं। और जब कहीं भी देखिए हमारा श्रुति वाक्य तमेव विदित्व, तमेव विदित्व, तो एव विदित्व कहीं नहीं बोला है ना, मतलब एक तत्व के ज्ञान से ही मुक्ति शास्त्र ने दिखाया। शास्त्र ने दो तत्व अथवा दो से अधिक तत्व के ज्ञान शास्त्र ने नहीं कहा। जिस बात ने माना वह ये शास्त्र से हट गया। शास्त्र क्या बोलते तमेव विदित्व की मृत्यु में नाम तम, यहाँ पे कितने एक वचन प्रयोग किया। तो एक तत्व के ज्ञान से ही मुक्ति होती है, दो तत्व के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो उनके सिद्धांत कौन से, प्रकृति और पुरुष की विवेक, दो तत्व को रख करके विवेक से, एक दर्शन में छह तत्व के विवेक से और एक दर्शन में छह नए वैशेषिक सोलह तत्व पदार्थों के ज्ञान से इसको भिन्न जानना, द्रव्य से गुण को भिन्न जानना, उससे मुक्ति मानते हैं। सभी बातें एक चीज को एक जगह सहमत है, आत्मा को विभू मानना। केवल जैनियों ने जो है आत्मा को शरीर पर ही मानना, जैनियों ने आत्मा को शरीर पर ही मानना। अभिनिवेश में केवल मृत्यु नहीं है, अशोभा ही बोला ना वहाँ पे, मतलब पूर्व जन्मांतरी संस्कार, मतलब एक जगह पे वो पश्च दिखाई पड़ता है, बाकी सारा व्यवहार ही तो पूर्व जन्म के संस्कार से ही होता है अधिकतर। और वहाँ पे व्यक्ति मतलब जागरूक रहता है तो संस्कार को बदल सकता है, उसको वो संस्कार को बदल सकता है। एक भाई भगवद गीता से मिलते हैं, भगवद गीता में जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना, सदृशम चेष्टते स्वस्व प्रकृतिर ज्ञानवान अपि प्रकृति में जानती भूतानी निग्रह किम करिष्यसि, तीसरा अध्याय की 30 या 31वां श्लोक होगा, ये 30 नहीं 31वां श्लोक है, 32 श्लोक होगा। कि क्या बोलते हैं वहाँ पे, प्रकृति में जानती भूतानी, समस्त जीव अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हैं, निग्रह किम करिष्यसि, उसको तुम निग्रह करके क्या करोगे, प्रकृति से बाहर नहीं जा पाओगे, हर दिन हक्का बक्का रहेगा। तब इतना शास्त्र और इतना इसका पुरुष का इसका क्या आवश्यकता है, तो प्रकृति में चलेंगे। बहुत ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे एक जगह पर मैंने छूट दे रखा, क्या छूट दिया, इंद्रियानि इंद्रिय स्वार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्ना वशमागच्छेत तो ही असब परिपंथी, ये तुम्हारी पुरुष का है। जन्मांतरीय संस्कार से ये अच्छा ये बुरा है, इसमें राग और इसमें द्वेष, ये जो हमारे पहले से बना हुआ है ये तुम्हारे पुरुषकार है कि इन दोनों को मिटा देना, ये अच्छा बुरा भाव मत, ये अर्जुन तुम्हारे ऊपर पुरुषकार है। और ये भाव आने से समत्व बुद्धि आता है, ईश्वर बुद्धि आती है, आत्मबुद्धि अथवा ईश्वर बुद्धि आएगा, समत्व बुद्धि आएगा, ये समस्त बुद्धि तुमको मुक्ति को दे। इतना पुरुषकार भगवान ने छोड़ दिया हमारे ऊपर, इसलिए केवल प्रब्ध ऊपर आश्रय करके रहने से नहीं होगा। पुरुषकार यही है, जब भी जन्मांतर के संस्कार से कोई वस्तु को बोलता है ये व्यक्ति अच्छा तो ये बुरा है अथवा ये अच्छा बुरा है, तुरंत मन से पूछो ये किस बात की अच्छा है, ये किस बात की बुरा है, किस बात की अच्छा की, जैसे आप विचार करेंगे तब धीरे धीरे मनोवृत्ति बदलने लग जाएगा। सभी में तो एक ही चेतन तत्व तो सभी में बैठा हुआ है, अथवा सभी में एक ही ईश्वर बैठा हुआ है, उन्हीं के रहने के कारण सब व्यवहार कर पाता है। कोई चीज़ बोला वो तो ईश्वर का अधिभौतिक रूप है, मान लो कोई शब्द बोला जो हमको अच्छा नहीं लगा, ठीक है ना, कोई ऐसा यहीं से गया इतना सुना बाहर निकलते मेरे को कोई एक शब्द बोला जो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तुरंत मान उसी को लेकर के घूमता ही मेरे को ऐसा बोला, उस समय थोड़ा सा ऐसा सोचिए ये शब्द ये जो है भगवान की आदिभौतिक रूप है, शब्द आदिभौतिक रूप है, और ये जो है जिस जगह से निकला जिस करण से माध्यम से निकले वो भगवान का आदिदैविक रूप है, और जिसके रहने के कारण निकल पा रहे वो एक चेतन तत्व जो ही बैठा हुआ है। ऐसा विचार में मन लग जाए वो शब्द भूल जाऊंगे, वो शब्द भूल जाएंगे क्या बोले, तो तब आपको संसार में अधिभूत अध्यात्म अधिभूत अधिदैव अधिज्ञ सब देखने लग जाए, अधिभूत क्या है अधिभूत। और ये प्रश्न उपनिषद में आया है कि ये अध्यात्म है, ये अधिभूत है, ये अधिदैव है, ये अधिज्ञ है, प्रश्न उपनिषद में भी आपको चौथा प्रश्न के उत्तर में देखना है ना, ये जो द्रष्टव्य श्रोतव्य करके ये दृश्य है ये द्रष्टव्य वस्तु और ये दर्शन है, ये है, ये सब अलग अलग करके वहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है मतलब कैसे हम हमेशा एक ईश्वर भाव को मन में प्रतिकूल परिस्थिति में, सामान्य अनुकूल परिस्थिति में रखना आसान है, प्रतिकूल परिस्थिति में जब बना के रखना, उसके लिए जो शास्त्र हम पढ़ते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। इसलिए आप बोलते हैं देखिए इदानी ये देखिए आनंद गिरि जी का ये विशेष देना, मुमुक्षुनाम तत् अभिनिवेश व्यावृत्ति अर्थ, ये जो हेतु और फल जन्म मृत्यु का जो अभिनिवेश है उसको निराकरण करने के लिए, तत् अभिनिवेश भाव अभावयोर, उस अभिनिवेश के भाव और अभाव है ना विद्यमान, तत् बुद्धो
अनुद्भव दर्शत, बुद्धि में, वो कहाँ पे है, वो तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है, उसको देखना रहे। जब तक ये बुद्धि में रहेगा तब तक तुम इस चक्र में घूमते रहोगे। इसलिए मुमुक्ष के लिए क्या करें, इसको बुद्धि से निकाल दो, इसको बुद्धि से निकाल दो, उसको लेकर के देखिए बोल रहे हैं यहाँ पे, श्लोक को पढ़ते हैं अभी। श्लोक बोलते हैं, यावत् हेतु फलावेश, यावत् हेतु फलावेश, स्तावत् हेतु फलोद्भवः, स्तावत् हेतु फलोद्भवः, क्षीणे हेतु फलावेशे, क्षीणे हेतु फलावेशे, नास्ति हेतु फलोद्भवः, नास्ति हेतु फलोद्भवः, यावत् हेतु फलावेशः, स्तावत् हेतु फलोद्भवः, क्षीणे हेतु फलावेशे, नास्ति हेतु फलोद्भवः। जब तक ये कार्यकरण भाव हमारे मन में बैठा रहेगा ना, ये तो कार्यकरण भाव क्या है, ये अग्निहोत्र शास्त्राचरण करने से पुण्य होता है, उसे सुख प्राप्त होता है, इसलिए ये अच्छा है। अथवा गंगा जी में नहाने से पुण्य होता है तो मेरे को सुख मिलेगा। तीर्थ दर्शन अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग जैसा जैसा है, हम लोग जैसे पठन पठन अथवा शास्त्र ये मतलब ये करने से ये लाभ मिलेगा, ये होगा, सभी जो है एक प्रतिबंधक जैसे, सभी एक प्रतिबंधक, इसका लिमिटेशन को समझ करके बस मन को रोकने के लिए कोई जप धन करता है, कोई कर्मयोग करता है, कोई पठन पठन करता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, परंतु मन में ध्यान में रख करके कि ये भी एक मिथ्या अभिनिवेश है। ये मन की मान्यता देख करके मन चंचल है, चित्त को सब चित्त निग्रह करना पड़ेगा। अरे चित्त नामक कोई वस्तु है नहीं, किसका निग्रह करोगे, यदि होता तब उसका निग्रह करते। रज्जु के ऊपर सर्प है ही नहीं, यहाँ से सर्प को कल्पना करके सर्प को मैं पकड़ूंगा, मारूंगा, पीटूंगा, कंट्रोल करूंगा, ये सब सोच रहे हैं। ये जो है यहाँ पे बोलता है, जब तक ये रहेगा तब तक एक नया नया जन्म लेगा। ये बहुत एक मतलब जबरदस्त धक्का लगाने वाला श्लोक है। जाबत हेतु फलावेश, ताबत हेतु फल, तब तक ये जो है कर्म कारण से कार्य उत्पत्ति होता ही रहेगा। छिने हेतु फलावेश, ये देखो यहाँ पे बोलते हैं आवेश, जैसे गुहाविष्ट नहीं बोलते, भूत प्रेस की तरह आवेशित हो जाते हैं, ये एक आवेश है, विपरीताविष्ट हो गया, भूताविष्ट हुआ, आविष्ट हुआ, आवेश हो गया, ये मतलब हमारे अंदर एक भाव, एक ऊपर से कोई प्रवेश हो गया, प्रेताविष्ट बोलते हैं ना, तब व्यवहार वैसे करते थे। हम लोग भी ऐसे ही ये जन्म मृत्यु रूपी प्रेत की तरह आविष्ट होकर के व्यवहार करते रहते हैं, वो प्रेताविष्ट से निकल नहीं पाता, इसलिए छीने हेतु नास्ति हेतु फल, तब फिर आप जन्म मृत्यु नहीं दिखाई देगा, अब जन्म मृत्यु के बाद समय। दूसरा नंबर है प्रज्ञा वैशाख वेद शुभित जल निधे वेदनामंतरस्थम भूतान्यालोक्यमग्नान्यनिरगत जनग्राह घोरे समुद्रे कारुण्यानुधारामृतमिदमयहि दुर्लभं भूतहेतो यस्तं पूज्यादि पूज्यं परं गुरुमजं कारपादेन तोऽस्मि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।